हेलो ये इवान एपिसोड के स्टार्ट में किम को दिखाते हैं जो कि एक बार में बैठा था और तभी उसके पास एक लड़की आती है और वह उसे अप्रोच करने की कोशिश करती है, लेकिन किम उसे मना कर देता है और उससे कहता है कि वह बस अकेला रहना चाहता है। तो वह लड़की वहाँ से चली जाती है और तभी किम की नज़र रन पर जाती है और उसे देखकर किम को याद आता है कि यह तो एलिस का अक्स लवर है जो उसने फोटो में देखा था। तभी रन के पास किसी पर्सन का कॉल आता है जो उसे फाइलोंग के बारे में बताता है और जब रन जाकर फाइलोंग को देखता है तो वह कुछ बॉयज के साथ इंजॉय कर रहा था और यह सब देखकर रन को बहुत ही ज़्यादा हर्ट होता है तो वहाँ से चला जाता है। और रन को वहाँ से जाते हुए किम भी देख लेता है और जब वह जाकर फाइलोंग को वहाँ पर देखता है तो उसे देखकर वह सरप्राइज हो जाता है और फिर वह एलिस के पास कॉल करता है और उससे कहता है मुझे तुम्हें कुछ बताना है तो क्या तुम मुझसे मिल सकते हो। लेकिन एलिस कहता है कि वह अभी फ्री नहीं है। किम कहता है ये बहुत ही अर्जेंट है। लेकिन एलिस कहता है कि वह अभी किसी और के साथ है। यह कहते हुए वह कॉल कट कर देता है। रन एलिस के बिहेवियर की वजह से काफ़ी सीर था तो वह बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर रहा था। किम उसके पास आते हुए कहता है क्या तुम्हें किसी ने अपसीट कर दिया जो तुम इतनी ज़्यादा ड्रिंक कर रहे हो। रन उससे कहता है तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। यह कहते हुए वह जाने लगता है लेकिन तभी वह गिरने वाला था तो किम उसे संभाल लेता है और उससे कहता है कहाँ जा रहे हो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। रन कहता है मुझे बस अकेला छोड़ दो। किम कहता है क्या मैं एलिस को कॉल कर दूँ वह तुम्हारी हेल्प कर देगा। यह सुनकर रन शॉक हो जाता है और फिर वह किम से पूछता है तुम एलिस को कैसे जानते हो। इस पर किम कहता है क्योंकि हम दोनों बहुत ही ज़्यादा क्लोज है एंड तुम समझ सकते हो ना बहुत ज़्यादा क्लोज होने का क्या मतलब होता है। रन कहता है हाँ लेकिन फाइलोंग एलिस से बीट करना चाहता है और अगर मैंने उसे कॉल किया तो इसका मतलब है कि मैं अपने लवर को धोखा दे रहा हूँ। इस पर किम कहता है लेकिन एलिस वो तो तुम्हारा अक्स लवर है ना, वो लगता है कि उसे अभी भी तुम्हारी फिक्र है इसलिए तो उसने अभी तक तुम्हारी फ़ोटो को संभाल कर रखा है। यह सुनकर रन वह सूख हो जाता है और इसके बाद वह एलिस के पास कॉल लगा देता है। दूसरी तरफ एलिस बात के साथ सो रहा था और तभी उसके पास रन का कॉल आता है तो यह देखकर वह बात को साइड में करता है और फिर वह लेकर वहाँ से चला जाता है। बात को जब एलिस के परसेंस महसूस नहीं होती तो वह उठ जाता है और फिर वह उसे चेक करने के लिए नीचे जाता है जहाँ पर वह एलिस और रन की बातें सुन लेता है और उसे सुनकर वह बहुत ही सीड हो जाता है और तुरंत आकर वापस सो जाता है। एलिस वापस बात के पास आने वाला था और तभी उसके पास किसी का कॉल आ जाता है तो वह तुरंत वहाँ से चला जाता है और बात भी एलिस को वहाँ से जाते हुए देख लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग एलिस बात के पास अपने टैग के फोटोज़ भेजता है लेकिन बात उसका कोई भी रिप्लाई नहीं देता तो एलिस उसे कॉल करता है और उससे कहता है कि तुम मुझे रिप्लाई क्यों नहीं दे रही। तो इस पर बात उसे एक टाई सेलेक्ट करके बता देता है और तभी एलिस उसके पास अपनी वॉचेस की भी फ़ोटो सेंड करता है और उससे पूछता है कि मैं इनमें से कौन सी पहनूं। तो फिर बात उसे सेलेक्ट करके बता देता है और जब वह बाहर निकलता है तभी एलिस कहता है मैं ड्राइव नहीं कर सकता। तो इस पर बात कहता है तू तिथि ट्राई कर देगा। एलिस कहता है लेकिन वो तुम्हारे जितना अच्छा काम नहीं करता और जब भी मैं उसे देखता हूँ मुझे गुस्सा आता है इसीलिए तुम मुझे लेने के लिए आओगे। यहाँ तक बात कहता है क्या मैं अपने बॉस से नाराज भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं ऑफिस आने के बाद भी बात एलिस से बात नहीं कर रहा था तो एलिस कहता है क्या हुआ तुम्हें तुम ड्राइविंग करते वक्त भी चुपचाप से थी। इस पर बात कहता है कुछ नहीं हुआ। एलिस कहता है कुछ नहीं हुआ इसका मतलब कुछ तो हुआ है। बात एलिस से कुछ कहने ही वाला था तभी वहाँ पर अनोन आते हुए एलिस से कहती है कि कॉन्ट्रैक्टर ने कहा है कि वो लोग एक घंटे में साइट पर मिलने वाले हैं। तो यह सुनकर एलिस फिर बात का हाथ पकड़कर उसे लेकर चला जाता है। अनोन कहती है ये दोनों साथ में कितने ज़्यादा क्यूट लगते हैं। एलिस और बात जब बाहर निकलते हैं तो किम एलिस को मिल जाता है। एलिस उससे कहता है तुमने आने से पहले मुझे कॉल क्यों नहीं किया। किम की नज़र बात पर जाती है तो वह एलिस से कहता है क्या तुम्हारा सेक्रेटरी वापस आ चुका है। और फिर वह बात से कहता है जब भी तुम चले जाते हो तो एलिस हमेशा ही गुस्से में रहता है। इस पर एलिस कहता है क्योंकि बात की तरह कोई काम नहीं करता और वैसे तुम यहाँ पर क्यों आए हो क्योंकि मुझे प्रोजेक्ट साइट पर जाना है। इस पर किम कहता है मैं तुम्हें डिनर के लिए इन्वाइट करने आया हूँ। एलिस कहता है तो
तुम ये तो मुझे कॉल पर भी बता सकते थे, क्यों कहता है और मैं तुमसे मिलना भी चाहता था, लेकिन तभी वहाँ पर रन आ जाता है। सिचुएशन ऑकवर्ड हो जाती है, तो बात एलिस से कहता है कि वह बाहर जाकर वेट करता है, और तभी किम कहता है कि मैं भी जाता हूँ, शायद एलिस को रन से बात करनी होगी, और इसके बाद वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। रन को वहाँ पर देखकर बात थोड़ा सा सेट था, तो किम उससे कहता है लास्ट नाइट एलिस रन से मिलने के लिए नहीं गया था, और मैंने ही रन को एलिस को कॉल करने के लिए कहा था। इस पर बात कहता है तो क्या तुम मिस्टर रन के साथ थे? किम कहता है हाँ, और ये तुम ही हो जो एलिस को किसी और के साथ नहीं देख सकते, और मैंने रन को इसलिए कॉल करने के लिए कहा था क्योंकि फैलों उसे चीट कर रहा था और वह काफ़ी ज़्यादा शेर था, इसलिए बस उसे सहारे की ज़रूरत थी। बात कहता है लव लाइफ इतनी आसान भी नहीं होती। किम कहता है अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं तो फैलों को छोड़ देता, मुझे समझ नहीं आ रहा कि वह अब तक उसे सहन क्यों कर रहा है। दूसरी तरफ रन एलिस को बताता है कि फैलोंग ने कभी भी उसके फीलिंग्स की कदर ही नहीं की। इस पर एलिस कहता है ये तो तुमने खुद उसे चूज किया है और तुम्हें उसके पास वापस चले जाना चाहिए। रन कहता है क्या तुम बात को लाइक करते हो? इस पर एलिस कहता है इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। रन कहता है आई नो हम दोनों ने बात नहीं की है, लेकिन मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ ही कम्फर्ट फील होता है। एलिस वहाँ से जाने लगता है तो रन उससे कहता है फैलोंग पर नज़र रखना क्योंकि वह तुम्हारे इस प्रोजेक्ट को इतनी आसानी से नहीं जाने देगा। तो एलिस बिना कुछ कहे वहाँ से निकल जाता है। साइट पर जाते वक्त पात एलिस से कहता है आपको मेरे साथ नहीं बल्कि पीछे बैठना चाहिए। एलिस कहता है मैं तो यहीं पर बैठूंगा, क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है? यह सुनकर पात बस एलिस की तरफ देखता है और तभी एलिस स्टीयरिंग घुमा देता है। यह देखकर पात घबरा जाता है और वह एलिस को डांटते हुए कहते हैं आपको हो क्या गया है? आप जानते हैं ये कितना खतरनाक हो सकता है। एलिस कहता है हम दोनों को बात करना चाहिए। पात कहता है अगर आपको कुछ पता नहीं है तो आपको कुछ कहना भी नहीं चाहिए। यह कहते हुए वह कार से निकल जाता है। एलिस पात को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन पात इतना ज़्यादा गुस्से में था कि वह एलिस से कहता है कि मैं आपके इस ड्राइविंग से परेशान हो चुका हूँ, आप खुद ड्राइव करके चली जाइए, मैं कंपनी जा रहा हूँ। यह कहते हुए वह टैक्सी लेकर कंपनी चला जाता है। अयोम जब पात को कंपनी आते हुए देखती है तो वह उससे पूछती है क्या तुम मिस्टर एलिस के साथ साइट पर नहीं गए? इस पर पात कहता है नहीं, लेकिन मैं क्या आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? मेरे फ्रेंड का एक लवर है जो लास्ट नाइट उसे बिना बताए बाहर चला गया था। उसे पहले तो लगा कि वह अपने अक्स से मिलने के लिए गया, लेकिन फिर बाद में पता चला कि एक दूसरा रीजन है जो उसने नहीं बताया। तो आपको क्या लगता है उस लवर को क्या करना चाहिए? यह सुनकर अयोम कहती है क्या तुम मिस्टर एलिस की बात कर रहे हो? इस पर पात कहता है नहीं, मैं अपने फ्रेंड के लवर की बात कर रहा हूँ। अयोम कहती है हो सकता है कि वो किसी इम्पोर्टेंट काम की वजह से गया हो और वह आज भी तो साइट पर ही गया है। यह सुनकर पात कहता है आपको कैसे पता कि मेरा फ्रेंड का लवर साइट पर गया है? एयोम कहती है लास्ट नाइट वर्कर्स ने प्रोटेस्ट कर दिया था और मैंने ही मिस्टर एलिस को इस बारे में कॉल करके बताया था, इसलिए मुझे लगा कि तुम्हारे फ्रेंड का भी यही इश्यू होगा। यह सुनकर पात को रियलाइज होता है कि उसने एलिस को गलत समझ लिया। नाइट में एलिस पात के पास बहुत सारा मनी सेंड किया जा रहा था और वह उससे कह रहा था कि प्लीज़ मुझसे नाराज मत हो, और वह मनी सेंड करता उससे पहले ही पात को उसे कॉल करता है और कहता है अब बस बहुत हो गया। एलिस कहता है तो बताओ कि अब बात क्या है? इस पर पात कहता है आप लास्ट नाइट को बाहर गए थे ना? एलिस कहता है हाँ, वर्कर्स ने प्रोटेस्ट कर दिया था तो मैं वही सेटल डाउन कर रहा था। पात कहता है आई एम रियली सॉरी। इस पर एलिस कहता है क्यों? इन सब में तो गलती तो मेरी है। पात रोते हुए कहता है मुझे आप पर नाराज नहीं होना चाहिए था। एलिस कहता है हे क्या तुम रो रहे हो? इस पर पात कहता है नहीं मैं रो नहीं रहा, लेकिन एलिस कहता है मैं अभी तुम्हारे पास आ रहा हूँ। पात एलिस को मना भी करता है, लेकिन एलिस तब तक वहाँ से निकल चुका था। दूसरी तरफ पात के पास बैंक का कॉल आता है और वह उसे बताती है कि मैं तुमसे कंपनी मिलने के लिए आई थी, लेकिन तुम तो चले गए थे। इस पर पात उससे पूछता है कि तुम उससे मिलने क्यों आई थी? पिंक कुछ कहती उससे पहले ही पात अपनी डोर पर नोक की आवाज़ सुनता है तो वह कॉल कट कर देता है, और जब वह जाकर चेक करता है तो एलिस वहाँ पर आया था। पात उससे कहता है मैंने आपको आने के लिए मना किया था ना? एलिस कहता है मैंने नहीं सुना था, मैंने जब तुम्हारी रोने की आवाज़ सुनी तो मैं वहाँ पर आ गया। और फिर एलिस पात को दिखाता है कि वह उसके लिए फूड लेकर आया है। पात फ्राइड चिकन को देखकर काफ़ी खुश हो जाता है और फिर वह अंदर आकर खाने लगता है। एलिस उससे पूछता है
तो अब बताओ कि तुम रो क्यों रहे थे? इस पर बात कर रहा है, वो मुझे अपने आप पर ही गुस्सा आ रहा था। मैं कितना स्टूपिड हूँ ना कि मैं बेवजह ही आपसे नाराज हो गया। यह सुनकर एलिस कहता है, जब तुम ऐसे लगते हो तब तुम बहुत ज़्यादा क्यूट लगते हो। यह सुनकर बात प्लस करने लगता है और तभी एलिस बात के चीज पर किस कर लेता है। यह देख कर बात भी एलिस के लिप्स पर किस कर लेता है। के बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं, बाद जब ऑफिस आता है तो आयम उससे पूछती है, आज तुम दोनों काफ़ी खुश लग रहे हो और क्या तुम्हारी फ्रेंड के लवर का मैटर सेटल हो गया? और तभी एलिस उससे कहता है, फ्रेंड या लवर का? तभी आयम कहती है, वो बात की फ्रेंड यहाँ पर उससे मिलने के लिए आई है एंड मैंने उसे रिसेप्शन जोन में वेट करने के लिए किया दिया है। यहाँ सुनकर बात एलिस की तरफ देखता है जो कि बहुत ही गुस्से में उसकी तरफ देख रहा था। बात जब पेंग से मिलता है तो पेंग उससे कहती है, मेरी बात कंप्लीट भी नहीं हुई थी और तुमने फ़ोन रख दिया था। बात कहता है कि वह बिजी था। पेंग कहती है, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। बात कहता है, आई एम रियली सॉरी, लेकिन इन सब चीज़ों के लिए अब काफ़ी लेट हो चुका है और मेरे मन में अब तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है और हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। यहाँ सुनकर पेंग कहती है, तुमने नेक्स्ट टाइम के लिए कहा है? बात कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर हमें पेंग को थोड़ा सा सस्पिशियस दिखाया जाता है। बात जब एलिस के पास आता है तो एलिस ने उसे बहुत सारा काम दे रखा था। बात ये देख कर कहता है, आज इतने सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे चेक करने होंगे? इस पर एलिस कहता है, हाँ मेरे पास बहुत सारा वर्कलोड है इसलिए मैंने कुछ तुम्हें दे दिया। बात कहता है, लेकिन आज तो आपका शेड्यूल बिल्कुल खाली है। एलिस बात से यह कहते हुए चला जाता है, तो पैर से पहले मुझे ये पूरा काम कंप्लीट चाहिए। यह सुनकर बात तो काफ़ी ज़्यादा शोक हो जाता है। उस जगह काम को कंप्लीट करके लेकर आता है तो एलिस उससे कहता है, तुमने बहुत जल्दी कर लिया, तुम्हें किसी से मिलने जाना है? इस पर बात कहता है, आप जानते हैं मैं हमेशा ही काम जल्दी करता हूँ। एलिस कहता है, तुम किससे मिलने के लिए जा रहे हो? इस पर बात कहता है, आपका मतलब पेंग से है? एलिस कहता है, लगता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा फ्री हो एंड तुम्हें तो और वर्क चाहिए ना। ये कहते हुए वह आयम के पास कॉल करता है और उससे कहता है, कंपनी में जितने भी स्टाफ के पास वर्कलोड है उनसे सभी से कहो कि वो आकर सारा काम पात को दे दे। यहाँ सुनकर पात काफ़ी ज़्यादा शोक हो जाता है। फ्रेंड जब फैलोंग के पास आता है तो फैलोंग उससे कहता है, किसी ने मुझे बताया कि तुम एलिस से मिलने गए थे? रन कहता है, मैं क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि तुम तो मेरी फीलिंग्स की कभी कदर करते ही नहीं एंड मुझे तो यही समझ नहीं आता आखिरकार मैं तुम्हारे लिए हूँ क्या। और अगर तुम मुझसे इतनी ही नफरत करते हो तो तुम मुझसे ब्रेकअप क्यों नहीं कर लेते? तुम तो इतने रिच हो कि तुम तो किसी के साथ भी सो सकते हो एंड मैं कितना ज़्यादा बेवकूफ़ था कि मैंने तुम्हें चूज़ किया। इसके बदले मुझे अपने लविंग और केयरिंग पर्सन को क्यों नहीं चूज़ किया? फैलोंग बहुत ही गुस्से में कहता है, तुम एलिस की बात कर रहे हो? उसका नाम मेरे सामने दोबारा कभी मत लेना। टेंट कहता है, मैं उसका नाम क्यों नहीं ले सकता? और यह कहते हुए वह बार बार एलिस का नाम लेने लगता है। फैलोंग को इतना गुस्सा आता है कि वह रन का नेकी पका लेता है और उससे कहता है, उसका नाम दोबारा कभी मत लेना। रन कहता है, तुम मुझे ऐसे ऑर्डर नहीं दे सकते। फैलोंग कहता है, ठीक है तो फिर तुम्हारे ब्रदर को मैं पुलिस को सौंप देता हूँ। तुम हमारी डील के बारे में भूले तो नहीं हो ना? तुम्हारा ब्रदर अभी जेल में सही सलामत तो है एंड उसे अभी किसी ने मारा भी नहीं है। लेकिन अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो फिर तुम उसे दोबारा नहीं देख पाओगे। यह कहते हुए वह उसे पुश करता है जिसके वजह से रन के पैर में चोट लग जाती है। तो फैलोंग उसे सॉरी कहता है और फिर वह उसके पैर को बैंडेज करता है और उससे कहता है, प्लीज़ अपने पुराने लवर के पास दोबारा मत जाना क्योंकि तुम मेरी प्रॉपर्टी हो। इस पर रन कहता है, तुम मुझे जाने क्यों नहीं दे सकते? फैलोंग कहता है, जब मैं तुमसे बोर हो जाऊँगा तब मैं तुम्हें आज़ाद कर दूँगा। इस पर रन कहता है, ठीक है तो तुम अब इस मुझसे बोर हो जाओ और आज से ही हम स्टार्ट करते हैं। यह कहते हुए वह फैलोंग को किस कर लेता है एंड इसके बाद हमें यहाँ पर दोनों का एक हॉट इंटीमेट सेशन दिखाया जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं, टन एक फ़ोन को लेकर बैठा था जो कि बहुत ही टूटा हुआ था और उसमें कुछ मैसेजेस थे। फ्लैशबैक का सीन दिखाते हैं, टन जब फैलोंग के पास आता है तो फैलोंग उससे कहता है, मैंने सुना है कि तुम्हारा ब्रदर सेल में है। यह सुनकर रन कहता है, तुम मुझ पर स्पाई लगा रखे हो? फैलोंग कहता है, हाँ क्योंकि तुम दूसरे लोगों की तरह नहीं हो ना। अगर तुम एलिस से ब्रेकअप करके मेरे साथ हो जाओगे तो फिर मैं तुम्हारे ब्रदर की हेल्प कर सकता हूँ
और हमें यहाँ पर पता चलता है कि रन ने एलिस से ब्रेकअप जानबूझकर नहीं किया था, बल्कि उसे फोर्स किया गया था। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं पाथ के पास सारा स्टाफ बहुत सारी फाइल्स लेकर आ जाता है। अयोम उसके पास फाइल लाते हुए कहती है, तुम्हारा फ्रेंड तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है, क्योंकि उसका लवर उससे नाराज हो चुका है। तुम्हारे फ्रेंड ने उसके ही सामने अपने अक्स से मिलने की जरूरत की है। पाथ कहता है, आपको मेरे फ्रेंड और उसके लवर के बारे में कैसे पता, क्योंकि मैंने तो आपको कभी उसके बारे में नहीं बताया। अयम कहती है, वो मैंने गलती से अपने फ्रेंड के बारे में सोच लिया, एंड मैं अपने फ्रेंड से कहूंगी कि वो अपने लवर को मना ले। इस सीन में पाथ जब एलिस के पास फाइल्स लेकर आता है तो एलिस कहता है, बड़ा जल्दी कर लिया, क्या कहीं जाने वाले हो? इस पर पाथ कहता है, नहीं मैं तो कहीं नहीं जा रहा। एलिस कहता है कि अपने अक्स से भी मिलने नहीं जा रही। और तभी पाथ को अयम की कही हुई बात याद आती है, तो वह कहता है, मैंने आपको नाराज कर दिया। इस पर एलिस उसे कोई जवाब नहीं देता, तो पाथ कहता है, ठीक है काम के बाद मैं अपने अक्स से ही मिलने के लिए जाऊंगा। यह कहते हुए वह जाने लगता है और तभी एलिस उसे रोक देता है। तो यह देखकर पाथ एक नोटी स्माइल करता है। तभी एलिस कहता है, तुमने अभी तक डिनर नहीं किया है ना? इस पर पाथ कहता है, हाँ और फिर काम का क्या होगा? एलिस कहता है, उसे भूल जाओ, मुझे भूख लगी है। पाथ कहता है, तो आप बताइए क्या खाना चाहते हैं, मैं ऑर्डर कर दूंगा। एलिस कहता है, जो भी ऑर्डर करना है मेरे घर पर करो, और आज रात तुम्हें मेरे साथ ही सोना होगा। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं अपने इंटीमेट सेशन के बाद वो दोनों ड्रेसअप हो रहे थे, और तभी एलिस पाथ को फिर से किस कर लेता है, और फिर वह उससे कहता है, उस दिन जब तुम रो रहे थे तब मैं अपने वाइन को स्टोर करना ही भूल गया था, और अब तो ये टेस्टलेस हो चुकी है। पाथ कहता है, तो आपको वहाँ जाने का अफसोस हो रहा है क्योंकि मैंने आपकी वाइन को टेस्टलेस कर दिया। इस पर एलिस कहता है, नहीं तुम तो वाइन से भी कहीं ज़्यादा बेटर हो। यह सुनकर पाथ स्माइल करता है, और तभी पाथ की नज़र एलिस के बुक सेल पर जाती है, और उसे याद आता है कि एलिस ने अभी तक अपनी और रन की फोटो को संभाल कर रखा है। वह एलिस से पूछता है, क्या मिस्टर रन से आप इतना प्यार करते थे कि अभी तक उसकी फ़ोटो को संभाल कर रखा है? एलिस कहता है, नहीं क्या तुम भी पेन के लिए ऐसा ही फील करते हो? पाथ कहता है, नहीं मैं अब उसके पास दोबारा नहीं जाना चाहता। एलिस कहता है, मैंने फ़ोटो को इसीलिए संभाल कर रखा है ताकि मुझे याद रहे कि वह मुझे छोड़कर चला गया और कभी मेरे पास वापस नहीं आया। इस पर पाथ कहता है, तो ये मुझसे अलग हो सकता है क्योंकि मैं अब पेंक से प्यार नहीं करता। इस पर एलिस कहता है, एंड मैं भी रन से प्यार नहीं करता। इस पर पाथ कहता है, तो फिर आप किससे प्यार करते हैं? इस पर एलिस कहता है, तुम किससे प्यार करते हो? यह सुनकर पाथ स्माइल करता है, तो एलिस भी स्माइल कर देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब ये लोग ऑफिस आते हैं तो पाथ एलिस को बताता है कि उसने स्टाफ से कहकर उसका ब्रेकफास्ट रेडी करवा दिया है। एलिस कहता है, तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा, तुम जानते हो कि मैं तो तुम्हारे साथ ही रहता हूँ। यह सुनकर पाथ स्माइल करता है, और तभी वहाँ पर पेंग आ जाती है, और वह एलिस से कहती है, तुमने मुझसे कहा था ना कि हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलने वाले हैं। यह सुनकर एलिस पाथ से कहता है कि वह उसके रूम जाकर वेट करता है, लेकिन तभी पाथ एलिस का हाथ पकड़ लेता है, और फिर वह पेंग से पूछता है, तो बताओ तुम क्या कहना चाहती हो? पेंग कहती है, क्या मुझे तुम्हारा एक दिन मिल सकता है? यह सुनकर पाथ और एलिस एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, और इसी के साथ एपिसोड कंप्लीट हो जाता है। गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।